chicken burgers and french fries. बैक टू दीपिका की दुनिया। और हम बस अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं। एक्चुअली मैं बहुत पहले उठी थी, कर्नल मुझे उठा लिया था, फिर उसने अपना आज फॉरेस्ट चेंज, अपना मूड बदल के ब्रेकफास्ट किया, प्रॉपर अपना मील खाया और फिर मैंने एक लैप ले ली। और अभी मैं उठी, मैं शोक के लिए चाय बनाई थी और शोक ने मुझे बहुत अच्छी न्यूज़ बताई, तो मैंने बोला ये तो मुझे ब्लॉग में शेयर करना बनता है और वो है ये, यस JNVS is going to be back and I'm so happy। वो यूनिफॉर्म, वो एयरक्राफ्ट, वो खाना, वो सब कुछ, यू नो, शायद मेरी उसके साथ एक एक्स्ट्रा अटैच होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा करियर मैंने JNVS के साथ स्टार्ट किया था। लेकिन वट एवर इट इज़, इवन एज अ फ्लायर मैंने हमेशा JNVS को बहुत मिस किया है और मैं बहुत खुश हूँ कि वापस आ रहा, मैं वेट कर रही हूँ। तो शोएब आपको चाहे डर लगता है लेकिन प्लीज़ वो लॉन्च होगा तो उसके बाद ज़रूर चलेंगे, प्लीज़। सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ये ऑल द बेस्ट JNVS। ये है शोएब का ब्रेकफास्ट, ऑमलेट, और ये मेरी चाय और भाकरी। तो शोएब जा चुके हैं जिम और मैं भी अपना मील ले रही हूँ, क्योंकि वर्कआउट करने से पहले थोड़ा सा मील लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं ये मील फिनिश कर लूँ, फिर मैं चेंज करके रेडी होके जिम जाऊँगी और मेरे साथ सभा भी चलेगी। तो मैंने कर लिया है चेंज और मैं हो गई हूँ जिम जाने के लिए रेडी, और मैंने लगा लिया है, बॉडी पे अच्छे से मसाज कर लिया है इससे मदर स्पर्श का आयुर्वेदिक स्ट्रेच मार्क मसाज ऑयल। सो बेसिकली हम लोगों के लिए, हम लेडीज के लिए स्ट्रेच मार्क्स एक बहुत बड़ा कंसर्न होते हैं। जब आपका वेट फ्लक्चुएट होता है तो स्ट्रेच मार्क्स आपको ट्रबल करते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हो डिलीवरी के बाद पहले, आपको स्ट्रेच मार्क्स का हमेशा एक कंसर्न रहता है। तो इसीलिए मदर स्पर्श ने इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रेच मार्क रिपेयर एंड बॉडी टोनिंग किट, जिसमें है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेच मार्क मसाज ऑयल, और फिर एक है ये है मदर स्पर्श का आयुर्वेदिक स्ट्रेच मार्क टोनिंग बटर। सो अब मैं आपको इस किट को यूज करने का तरीका बताती हूँ, बहुत ही इजी है ये। सबसे पहले ऑयल जो है वो आपको दिन में दो बार लगाना है, दो बार इससे मसाज करनी है, आपको बस थोड़ा सा ऑयल लेना है। और ये ऑयल जो है ये डीकोक्शन थेरेपी से बना हुआ है, 14 आयुर्वेदिक हर्ब्स को मिला के, जैसे कि कचूर, जीवंती, रोजमेरी, पीपल और कई सारे हर्ब्स। ये हर्ब्स क्या करते हैं, ये जो आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रेच मार्क्स होंगे उनको लाइटन करते हैं और नए ना आए, इसीलिए प्रिवेंशन भी करते हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसे मैं अच्छी तरह से मसाज करूंगी। आप बेसिकली मसाज तब तक कीजिएगा जब तक ये अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए, ऑब्वियसली कोई भी क्रीम या ऑयल इसी तरह से लगाना चाहिए। और इसकी सबसे अच्छी बात यह कि ये थिक कंसिस्टेंसी का नहीं है, ये बहुत लाइट वेट है, पतला है और पूरी तरह से नॉन स्टिकी है, एब्जॉर्ब होने के बाद आपको चिपचिपाहट बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। और ये है इनका बॉडी टोनिंग बटर, ये बनाया गया है अ ब्लेंड ऑफ आयुर्वेदिक ऑयल्स और बटर से, जैसे कि शिया, कोको, बी वैक्स। ये पता है आपकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज करता है फॉर 24 आवर्स, और ये आपकी बॉडी टोनिंग पे भी काम करता है। एंड इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा है, ये देखिए आपको बहुत थोड़ा लेना पड़ेगा और अच्छे से आप स्किन पे मसाज करेंगे तो ये पूरी तरह से जो है मिक्स हो जाता है। और ये आपको सोने से पहले बेड टाइम में लगाना है, दिन में दो बार नहीं, सिर्फ सोने से पहले इसे लगाइएगा एंड दैट्स इट, यू आर डन। आपकी स्ट्रेच मार्क्स एंड बॉडी टोनिंग का और मॉइस्चराइजेशन का ख्याल ये किट रखेगा। सो गाइज, एज अ प्रिवेंशन एंड एज अ क्योर आप ये किट जरूर ट्राई करें, मुझे तो ये किट काफी अच्छा लगा, आप भी जरूर ट्राई कीजिए। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाके परचेज कीजिएगा और मेरा कोड यूज कीजिएगा जो कि है Deepika20, और उससे आपको एडिशनल 20% ऑफ मिलेगा ऑन देयर रनिंग ऑफर्स। तो आ गए हैं हम लोग घर और हम पी रहे हैं चाय, ये आज अंकित जनाब भी बैठे हुए हैं क्योंकि शोएब के ब्लॉग की एडिटिंग चल रही है। ऐसा क्यों होता है शोएब की, भले हम, जैसे मैं वॉक तो कर रही थी लेकिन तब भी जब आप फर्स्ट डे जिम जाओ तब आप स्टैमिना कम होता है और आप नहीं ज्यादा कर पाते, क्योंकि आप बहुत दिन से वॉक नहीं कर रही थी, जैसी होनी चाहिए आप घर पे वॉक कर रही थी, प्लस आज जिम में भी आपने नॉन स्टॉप 1.5 घंटा वॉक, 1.25 घंटा वॉक किया। नहीं कर पाई मैंने, 45 मिनट्स ही किया, होता है सामने ही नहीं था, एकदम थक गई, खत्म हो गया। आज आपने स्ट्रेचिंग की है, स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट किया है, इस वजह से ऐसे हो गई हूँ। लेकिन मैंने गुड गर्ल आते ही मैंने प्रोटीन भी पिया, मैंने आलमंड्स भी खाए, मैंने वॉलनट भी खाए,
गुड गुड। तो अभी मैं अपनी चाय पी रही हूँ और मैं थोड़ा सा एनर्जी रिगेन करूंगी, क्योंकि उसके बाद हम बनाएंगे रेहान के लिए चिकन बर्गर, ताकि वो थोड़ा हैप्पी हो जाए। उसकी ड्रेसिंग भी करनी है। यस यस। तो मैंने नहा लिया है, चेंज कर लिया, मैं एकदम फ्रेश फील कर रही हूँ। अब मैं बनाऊंगी रेहान के लिए यम्मी से बर्गर्स। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, बाकी मैं बनाते बनाते तो गप्पे मारती रहती हूँ हमेशा की तरह। तो ये मैंने लिया है 500 ग्राम्स ऑफ बोनलेस चिकन। ये चिकन ब्रेस्ट है। जब भी आप बोनलेस चिकन यूज़ कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन जो है वो चिकन ब्रेस्ट माने जाते हैं। ये है ब्रेड क्रम्स, ये मैंने चॉप किया है। फ्रेंच बीन्स मैंने बहुत ही बारीक चॉप किया है। ये है थोड़ी सी कैप्सिकम, और ये कैरेट, हाफ कैरेट, क्योंकि कैरेट काफ़ी बड़ी थी, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ मैंने लिए हैं 2 बॉइल्ड पोटेटोज यानी कि आलू। फिर हमें लगेगा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर और ब्रेड क्रम्स हमें एक साथ लगेंगे, वो एक्चुअली जब हम पैटीज बना रहे होंगे तब लगेगा। और फिर ये है थोड़े से बर्गर बंस और चीज स्लाइस। और असेंबलिंग के वक्त हमें कुछ और चीज़ें लगेंगी, जैसे कि मेयो, या आप अगर कोई मिंट मेयो या कोई भी सॉस यूज़ करना चाहो तो वो आपके ऊपर है। और ऑब्वियसली थोड़ा स्पाइसेस लगेंगे, तो वो सब मैं एक साथ यहाँ रखना भूल गई, क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊँगी। तो पूरी रेसिपी ध्यान से देखिएगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सो ये देखिए, मैंने बड़े बड़े क्यूब्स काट के पानी में चिकन बॉईल होने रख दिया है। अब इसमें मैं काफ़ी सारा गार्लिक जो है डाल दूंगी, करीब 10-11 टुकड़े जो है मैंने लिए हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। इससे ना चिकन जब बॉईल होता है तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और चिकन बॉईल काफ़ी समय तक करिएगा, ताकि उसकी वो जो एक अजीब सी हीक होती है, कभी कभी हम बाहर सैंडविचेस खाते हैं तो किसी एक बाइट लेते ही मन करता है कि नहीं खाना, क्योंकि वो एक अजीब सी स्मेल और टेस्ट जो हल्का कच्चा कच्चा है वैसा लगता है। तो वो अवॉइड करने के लिए हम इसे अच्छे ज़्यादा देर तक कुक करेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 teaspoon ऑफ सॉल्ट एंड अपने प्रेफरेंस के हिसाब से मैं एक छोटा चम्मच डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। आप तीखा कम ज़्यादा करना चाहते हैं, आपको ब्लैक पेपर पसंद है नहीं पसंद है, बट ब्लैक पेपर विल गिव अ वेरी गुड फ्लेवर, सो आई वुड सजेस्ट पुट। रेहान ऊपर आया ड्रेसिंग कराने के लिए और कट करते हुए मुझे डर लग रहा था उससे ज्यादा। तो यार आज तुम्हारा कुछ फेवरेट बनता है बर्गर। अरे अच्छा, तो नजर किचन में चली गई थी तुम्हारी। एज आई स्टार्टेड माई कुकिंग, ऑब्वियसली मैं अपनी भूलने की परंपरा भी जारी रख रही हूँ। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताते वक्त ये बताना भूल गई कि हम इसके लिए थोड़ा सा व्हाइट सॉस पेस्ट भी रेडी करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा बटर मेल्ट किया है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा मैदा। बटर मैंने लिया है करीब 2 teaspoon, और आप मैदा इस अंदाजे से डालिएगा कि आपका जो पेस्ट है वो, मतलब वो थिक पेस्ट की तरह होना चाहिए। इट शुड नॉट बिकम लाइक एन आटा, इट शुड बी अ लिटिल थिक। तो उस हिसाब से आप अंदाजे से 2 teaspoon बटर को मेल्ट करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड कीजिएगा और उसे भून लीजिएगा। अब जैसे देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकती हूँ। दैट्स इट, दैट विल बी गुड। और अब ये हो गया है अच्छे से ब्राउन, तो मैं इसमें एकदम थोड़ा, मतलब 2 चम्मच जितना दूध डालूंगी। बस डोंट फॉरगेट, आपको सिर्फ इसका एक थिक पेस्ट बनाना है। तो ये हमारा व्हाइट पेस्ट हो गया है रेडी। अब हम इसे साइड में रख देंगे, और जब हम सब कुछ एक साथ गूंदेंगे, जो मिक्सचर है उसमें हम इसे ऐड करेंगे। इसमें मैं कोई स्पाइसेस नहीं डाल रही, बिकॉज स्पाइसेस हम जब मिक्स करेंगे तो ऊपर से डालेंगे ही, और मैंने लहसुन ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है, तो इसमें मैं कुछ नहीं डाल रही। जस्ट बी केयरफुल नॉट टू ओवर कुक दिस, नहीं तो वो गिठाने बन जाएंगे। क्या बना रही? बर्गर। बर्गर और रेहान? यस। यार बेचारे की भी ड्रेसिंग हुई है, उसको दर्द हो रहा है काफी। दर्द काफी नहीं, मैंने उसको पूछा, रहेगा दर्द हो रहा है? बोलता हाँ। मैंने कहा बर्दाश्त से बाहर है क्या? तो बोलता नहीं, बर्दाश्त से बाहर नहीं है वो, एक्चुअली थोड़ा सा वो शुरू से उसकी हैबिट है कि वो ऐसा बनता है कि नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, स्ट्रांग लेकिन उसकी आंखें बोलती नहीं, हैं। नहीं यार, पर वो जो छोटी सी चोट लगती है उस पे ड्रेसिंग के वक्त, अगर वो पट्टी चिपक जाए और निकालो तो वैसे वो वीक वीक कर देने वाला दर्द है। मैं कर रही थी तब भी मुझे फील हो रहा था, तो उसका दर्द हो रहा है, आप ऐसे मत करो। नहीं दर्द हो रहा है उसको, मैं नहीं बोल रहा कि वो ज्यादा हो रहा है, पर वो बता नहीं रहा है कि उसकी आंखों में दिख रहा है, पर क्या हाँ बता है। मैंने उसको बोला है कि अगर कुछ हो तो बताना, पेन किलर दे देंगे। तो बोलता नहीं भाई, अभी इतना बर्दाश्त से बाहर नहीं है, बट ठीक है। क्या, अरे जाओ अभी यहाँ से,
पांडे आ गए। चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं, हम सब अभी चिकन हो गया है। हाँ चिकन हमारा हो गया है, तो अब हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। सो ये जो है मैंने छान लिया है चिकन, और अब ये चिकन और गार्लिक मैं हल्का सा पीस लूंगी। आप चाहें तो इसे हाथ से मैश भी कर सकते हैं, चलेगा, लेकिन मैं पीसूंगी ताकि वो और जो है अच्छा थोड़ा फाइन पेस्ट बने। यस दैट्स इट। सो ये देखिए मुझे इतना फाइन ही चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब मैं इसको इसमें निकाल लेती हूँ। चलिए अब रेडी करते हैं हमारा जो बर्गर का पैटीज होने वाला है उसका बैटर। अब ये हमारा चिकन है, इसमें 2 उबले हुए आलू हम मैश कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ये सारी वेजिटेबल्स एंड ये सॉस जो मैंने आपको दिखाई। अब बस इसको गूंदने से पहले हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस और थोड़ी सी ग्रेटेड चीज। सबसे पहले सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अनुसार हल्का सा टेस्ट कर लीजिएगा तो अंदाज़ा मिल जाएगा। फिर मैं डालूंगी 2 चम्मच जीरा पाउडर, और उसके बाद मैं डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च, ये भी मैंने 2 टीस्पून डाले, और ये मैगी सूप क्यूब जो मिलता है वेजिटेरियन वाला, वो 1 या 2 आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 2 डाले हैं इतने सारे बैटर में। और ये अब मैं डाल रही हूँ चीज़, ग्रेट कर रही हूँ, और इसको भी हम अच्छे से गूंद लेंगे। सो ये हो गई है मेरी बर्गर में डालने की पैटीज रेडी, मतलब मैंने शेप कर ली है। ये देखिए मैंने इतना बड़ा अंदाजन बर्गर का बन जितना होता है एटलीस्ट उतने डायमीटर का जो है मैंने ये बना लिया है, और थोड़ा सा थिक रखा है। सो अब हम इसकी कोटिंग की तैयारी करेंगे। मैंने फ्राइंग के लिए जिस पैन में मैंने सॉस बनाई थी उसी में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और ये हीट करने रख दिया है। तब तक हम ये रेडी करते हैं। ये है ब्रेड क्रम्स, ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं, लेकिन इससे पहले हम हर पैटीज को डिप करेंगे इसमें। ये है पानी, इसमें मैंने डाला है 1/2 चम्मच सॉल्ट, और अब मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लावर, और ये करीब 3/4 कप पानी था, इसमें मैंने डाला है 4 चम्मच ऑफ कॉर्नफ्लावर, मतलब छोटे हीप्ड चम्मच। अब सबसे पहले आप ये इसमें डिप करोगे अच्छे से, और फिर आप इसमें डिप करोगे ऐसे कि पूरी तरह से पैटीज जो है ब्रेड क्रम से कवर हो जानी चाहिए। अब एक बार करने के बाद आपको प्रोसेस रिपीट करना है। दोबारा से आप इसमें डिप करोगे और दोबारा तुरंत आप ऊपर से ब्रेड क्रम्स डालोगे। दिस इज फॉर दैट एक्स्ट्रा क्रिस्प टू योर बर्गर पैटीज। और अब हमारा ऑयल गरम हो चुका है, तो अब हम ये पैटीज इसमें डाल देंगे। अब क्योंकि इसमें चीज है तो अगर आप इसको ओवर कुक करेंगे तो वो थोड़े छोटे 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 होल्स बनके चीज लीक होने लगेगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल फ्राइंग दिस कि वो चीज ना हो। इसके पास रहिएगा, अटेंटिव रहिएगा, और फ्लेम को मैनेज करते रहिएगा हाई लो करके। सो टाइम फॉर फाइनल असेंबलिंग। ये मैंने जो बर्गर बंस हैं उनको बीच में से हाफ स्लाइस कर लिया है। आप चाहे तो इसे हल्का सा सेक सकते हैं बट जरूरी नहीं है। इस पे मैं लगाऊंगी मेयोनीज दोनों तरफ, तो इसीलिए क्वांटिटी मैं उस तरह से डिवाइड कर लूंगी। देखिए ये सारी चीजें है ना, ये सब अपने टेस्ट पे डिपेंड करती है। तो आप मेयोनीज कम लगानी है, ज्यादा लगानी है, आपको मिंट मेयोनीज लगानी है, आपको वो एक चिपटोल करके मेयोनीज आती है रेडिश कलर की, वो लगानी है। इट्स टोटली योर कॉल, यू कैन प्ले अराउंड। और ये मेरे एकदम यमी से क्रिस्प से चिकन पैटीज रेडी हो गए हैं। अब ये मैं इसके सेंटर में रख दूंगी। आप इसके ऊपर लेटस भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं आज स्पेशली रेहान के लिए बना रही हूँ, तो रेहान को लेटस थोड़ा कब अच्छा लगता है इसीलिए मैं नहीं डाल रही हूँ आज। तो मैं डाल रही हूँ सिर्फ थोड़े से प्याज, एंड दैट्स इट। ये हमने इसे कर दिया बंद। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप टॉपिंग्स में हमेशा खेल सकते हैं आपकी पसंद के हिसाब से, तो यहाँ पे मैंने कुछ में टमेटो का स्लाइस और फिर मैंने अनियन डाला है और फिर दूसरी साइड पे मेयो लगा के उसको कवर किया है, और ये एक में मैं चीज़ भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो चीज़ सब में डाल सकते हैं, योर चॉइस। और ये मैं क्विकली, मेरे पास एक्चुअली फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज रखे हुए थे, तो मैंने सोचा बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज अगर मिल जाए तो फ्रेंच फ्राइज अम्मा को भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं थोड़े से फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर रही हूँ, और फिर मैं जाके रेहान को ये दे दूँगी।
एंड ये हमारे रेहान के लिए उसका होममेड हैप्पी मील रेडी है, चिकन बर्गर फ्राइज एंड केचप। ये लो रेहान, आज तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया है ये चिकन बर्गर, ये तुम्हारी फेवरेट केचप और फ्रेंच फ्राइज। थैंक यू। अभी दर्द हो रहा है? तोड़ के दू कि ऐसे खाएगा, खा पाएगा? ठीक है, तो फिर खा के बता कैसा बना है। सच्ची में यम्मी है। बेचारा पूछने से पहले ही कहता है सच्ची में यम्मी है। बहुत सारा बनाया, आराम से खा, और चाहिए होगा तो और भी ले लेना, ठीक है। रेहान के लिए स्पेशली बर्गर बना था और रेहान को बहुत अच्छा लगा, तो आई एम हैप्पी। और मैंने नीचे भी बर्गर दे दिया और नीचे भी सबको बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। कल के व्लॉग में आप में से कई सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि पानीपुरी की रेसिपी बताइए, तो अब इस वक्त आपको लिंक जो दिख रहा है वो पानीपुरी की रेसिपी का वीडियो है, तो वहाँ पर जाके आप पूरी चाट रेसिपी मेरी सीख सकते हैं। और नूडल्स की रेसिपी मैं नेक्स्ट टाइम बहुत ही जल्द आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग मेरी ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिए, एंड अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। लव यू ऑल।